हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लास है। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, क्लास नाइन्थ की बात करेंगे और एनसीईआरटी की हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है आपका और चैप्टर का नेम है क्वाड्रिलेटरल। देखिए, आप सभी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ के आए होंगे, 8th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 7th में भी पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो आइए हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज आपकी 8.1 है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आइए हम लोग पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले अगर हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट यही होता है कि सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए ध्यान से, क्वाड्री मतलब होता है बच्चों फोर, क्या होता है फोर, और लैटरल मतलब क्या होता है सबको मालूम होना चाहिए, लैटरल मतलब होता है साइड्स। अब यहां से क्या बनी होगी, दोज फिगर्स हैव फोर साइड्स, ठीक है। जिन फिगर्स में कितनी साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चाहे वो ट्रेपीजियम हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे आपका वो कोई सा भी फिगर हो जिसमें चार साइड हो आपकी, बात समझ में आ रही है। रोम्बस में भी फोर होती हैं, आपके पैरेललोग्राम में भी फोर होती हैं, ट्रेपीजियम में भी फोर होती हैं, पैरेललोग्राम में भी फोर होती हैं, इनमें सब में कितनी साइड होती है, फोर। जैसे 1, 2, 3 और ये 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं, जैसे क्या बच्चों, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, है ना, ट्रेपीजियम हो गया, ये आप सबके क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्री मतलब फोर, लैटरल मतलब साइड। आपसे कभी भी कोई पूछे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो आप तुरंत बोल देंगे दोज फिगर्स हैव फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बता सकते हैं आप लोग, पैरेललोग्राम है सर, सर रोम्बस होता है, सर ट्रेपीजियम होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। कोई आपसे पूछने लगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, बच्चों कोई क्या पूछने लगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी बताओ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, आपका स्क्वायर भी है ना, तो ये देखो 90 डिग्री ये 90 ये 90 ये 90 रेक्टेंगल में है ना, स्क्वायर में भी 90 होता है, तो 90 90 90 90, तो इसलिए 90 × 4 कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, वो कितना होता है, 360 होता है, किसका, क्वाड्रिलेटरल का। बात तो क्लियर हो गई होगी सभी के, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए आइए और थोड़ा सा आगे हम पॉइंट्स को अपने बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस को बाद में स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल तो सबके समझ में आ चुका होगा, है ना। आप ये भी कह सकते हो कि फोर लाइन सेगमेंट क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। बाकी डेफिनेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसे बनाना चाहते हो ना, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। आप ये भी कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल इज द क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री, आप ये कह दीजिएगा। चलिए और आगे की बात कर लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको बता दी है, सबसे पहले ये सब लोग कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना फोर साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं। सेकंड है ना, इसके बारे में और क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका सम कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और क्या कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी या एंगल ऑफ सम कह सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स कह सकते हैं आप, कितना होता है, 360 डिग्री, आप ये भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम में क्या होता है, इसकी वन साइड क्या होगी, पैरेलल होती है, क्या होती है, वन साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, ये आपका ट्रेपीजियम होता है, देखिए ठीक, ये दोनों साइड आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम बोलते हैं, ध्यान रख लेना है ना, एग्जैक्टली वन साइड पैरेलल टू अदर, है ना, ठीक, ये ध्यान रखना है आप लोगों का, ठीक, चलिएगा कोई बात नहीं, ये तो इतनी बात हो गई। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं भैया, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती, इक्वल होती, देखिए अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, यानी ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो आपको यही इन सब चीजों को ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती, ध्यान रखिएगा।
रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होता है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पैरेललोग्राम की ओनली बात करें, तो क्या बताया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और आप कह सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं इट हैज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल टू द पैरेलल, इसके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वन वो पैरेलल होगी अदर साइड के, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम के लिए बात कर ली है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये तो इसकी बात करिए, अब सीधे हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन पर चलते हैं। देखिए बहुत इंट्रोडक्शन हो गया है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, रेक्टेंगल सबको मालूम होगा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री का होता है, और इसके जो डायगोनल होते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ऐसे स्क्वायर होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री एंड इंटरसेक्ट एट ईच एंगल वो इंटरसेक्ट ईच अदर कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर वन है आपका वो एक्सरसाइज से हटा दिया गया, देखिए जो अगर नई वाली बुक जिन बच्चों के पास में है उनको पता होगा जो क्वेश्चन नंबर वन है उसको न्यू वाली बुक में हटा दिया गया है, पर आपको समझाने के लिए हम उसको करा देते हैं, एक क्वेश्चन की बात है, बाकी सब हम वही क्वेश्चन करेंगे जो न्यू। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए आप लोगों के सामने है, और क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो 3:5:9:13। क्या कह रहा है, 3:5:9:13 फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या करना, ऑल एंगल्स इसके क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर वन की अपनी स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन सबने देख लिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे, और सभी देख पा रहे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर हमारे 22 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 23 की तरफ हम अग्रसर हैं। तो आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, और फैमिली में सबके एक एक दो दो मोबाइल्स लगभग सभी के होते हैं, उनसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा, जैसे वो लोग भी वीडियो के हेल्प से अपना रिवीजन कर सके, एग्जाम के प्रिपरेशन कर सके, और अपना वर्क भी टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सके। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर वन की हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको रेशो गिविन है, क्या गिविन है, रेशो क्या है, 3:5:9:13 ये गिवन है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन पे चलते, देखिए तो सॉल्यूशन पे सबसे पहले लेट द एंगल बी, तो एक्स रेशो में है तो क्या लिखेंगे, 3x 5x 9x 13 है, ये हमने एंगल मान लिए बच्चों, क्या मान लिए, एंगल मान लिए। अब सभी को पता है क्वाड्रिलेटर का एंगल से प्रॉपर्टी अभी बताया था क्या होता है, यस वेरी गुड, 360 डिग्री। तो हम सब जानते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आइए क्या होता है बच्चों, हमें मालूम है क्या, 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 360 डिग्री हो गया, बिल्कुल जी हो जाएगा जी, 5, 3, 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 8 और 9, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सर, 30x इक्वल टू 360 डिग्री सर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 36/3 यानी कितना आ गया सर, 12 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई सर, कितनी आ गई, 12 आ गई। आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे कहा गया है एंगल बता दीजिए, ठीक एंगल बताइए, तो फर्स्ट एंगल कितना था, 3x,
एंगल सम, x की वैल्यू आ गई 12, पर आपसे क्या पूछा गया यहां से कि आप हमको चार के चार एंगल बताओ, यानी 3x, 5x, 9x एंड 39, जो क्वाड्रिलेटर बना उसके एंगल क्या क्या है। तो चलिए देखिए ध्यान से, तो जो फर्स्ट एंगल है कितना है, 3x है सर, 3x की वैल्यू सर 12, तो 12 3 जा हो गया 36 डिग्री सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकंड एंगल कितना होगा भाई, ध्यान से देखना आपको, सेकंड एंगल कितना, 5x, 5 × 13, तो 13 5 जा कितना होता है, 65 डिग्री होता है सर। एक मिनट रुक जाइए, 5x है हमारा गिवन, और 5 की जब हम 13 में 12 में करेंगे, अच्छा 12 किया है तो 12 5 जा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। थर्ड एंगल की अब हम बात करेंगे, थर्ड एंगल क्या है हमारा, थर्ड एंगल हमारा 9x, तो 9 × 12 कितना हो गया सर, 108 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। एंड लास्ट जो आपका है कौन सा, फोर्थ एंगल, तो फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा सर, 13 × 12 मल्टीप्लाई करके बताइए, 13x, 13 × 12 कितना आएगा बताइए, जल्दी से 13 × 12 की मल्टीप्लाई करेंगे और बताएंगे जरा कितना आ रहा है, 13 × 12 कितना आ गया, 156 डिग्री। देखिए 12 3 जा कितना 36, 12 बन जा 12 और 356, तो हेंस एंगल्स आर 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156, ये आपके क्या आ गए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ये था, कराने का पर्पस क्या था, आप लोग सोच रहे हो सर जब बुक में है नहीं आपने कराया क्यों। अब मान लीजिए क्वालिटेटिव चैप्टर आपके स्कूल में चल रहा है, क्या एग्जाम में क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, अगर क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है तो क्या इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा सकता, 100% श्योर आपको, आपसे टीचर पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में अगर चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में हो सकता है, यूनिट टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मेन पर्पज ये था, सिंपल क्वेश्चन था, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पहले आराम से नोट कर लीजिएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को कराने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपके एग्जाम में 100% श्योर पूछा ही जाएगा, तो ये कराने का सिर्फ मतलब ये होता है कि आप लोग अपना अच्छे से रिवीजन कर सके, अच्छे से अपनी तैयारी कर सके, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 2 पर, तो 2 देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, प्रूफ करना है क्वेश्चन में और गिविन क्या है हम उसको देखेंगे। आइए देखिए अब हम कर देते हैं इसको रफ, नोट कर लिया होगा सभी ने, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि ये ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम स्क्रीन पर लगा देते हैं जैसे कि आप लोग आराम से अपने क्वेश्चंस को देख सको। देखिए आइएगा देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, अब ये 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 2 है। देखिए क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में, कह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है ना उसके डायगोनल क्या है, इक्वल है। ठीक आगे कहा आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ये क्या होगा रेक्टेंगल होगा, आपको ये शो करना है। तो अब देखिए पहली बात तो ये है आपको, एक तो जब रेक्टेंगल आप प्रूव करने जा रहे हैं तो आपको रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है रेक्टेंगल के बारे में क्या है आपको पता होना चाहिए। अब पता क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी पहले सुन लीजिए, होती क्या रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नंबर 1 सबको मालूम है सर, हम लोग बताते हैं इट्स ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल, यानी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी इक्वल होती है, यानी आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी इक्वल होंगी। सेकंड बोलते हैं हम लोग सर इट्स ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, यस क्लियर है बिल्कुल, इसका जो हर एक कोण होगा जो हर एक जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री होगा, बात क्लियर हो गई, यस सर बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। थर्ड क्या होता है सर, थर्ड होता है कि इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल हमेशा देखा होगा ना डायरेक्ट एंगल बना है और इसके डायगोनल आपस में ऐसे कट कर दिए गए, तो इंटरसेक्ट ईच अदर। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को करना हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, गिविन क्या है उसको सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, गिविन है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अब करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। देखिए तो गिविन क्या है आपको कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ
पैरलोग्राम। देखिए हम पैरलोग्राम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, आपकी मर्जी है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं। कह रहा है डायगनल इसके इक्वल है, डायगनल क्या है इसके इक्वल, तो सबसे पहले हम आइए बना लेते हैं। ये देखिए पैरलोग्राम, एक पैरलोग्राम क्या है, हमने ये बना लिया। देखिए ध्यान से, ये हमने क्या करा, बना लिया, इसके डायगनल आइए बना देते हैं। ये क्या हो जाएंगे, इसके डायगनल आ गए। देखिए इनको हम डॉटेड लेते हैं ना, क्योंकि डायगनल आपको कह रहा है इक्वल है। अब इनका नाम डाल दीजिए डायगनल में, क्या डालेंगे सर, ए बी सी, और हमने इसका नाम क्या डाल दिया, डी डाल दिया। देखिए बात क्लियर हो गई सभी को, यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर, बात हमें एकदम कंफर्म क्लियर हो गई। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर, बात क्लियर हो गई। अब डायगनल जब इक्वल कह रहा है तो आप डायगनल में लिख सकते हैं जो ए सी है डायगनल वो किसके इक्वल होगा, बीडी के इक्वल होगा ना। विद ए सी इक्वल किसके होगा, बीडी के। ये बुक वाला कह रहा है, हमने नहीं कहा, जो बुक वाले ने कहा वो हमने लिख दिया कि ए बी सी डी ये क्या पैरलोग्राम है जिसके डायगनल जो है वो दूसरे डायगनल के क्या है, इक्वल हो गए। यहां तक बात क्लियर हो गई, ये तो गिविन था। गिविन के बाद में हम प्रूफ क्या करना है, ये देखिए हमको, देखिए टीपीटी का मतलब क्या होता है, टू प्रूव दैट, आप लोग पूरा लिख सकते हैं टू प्रूव दैट। तो टीपीटी क्या करना है, आपको ये बताना है कि ए बी सी डी क्या एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्या होता है एक रेक्टेंगल, ये हमको प्रूफ करना है। चलो ये हमने लिख दिया, अब बात आती है हमारी सॉल्यूशन की। आइए देखिए अब यहां से हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम एक काम कर लेते हैं, जो यहाँ पे ट्राइंगल बने कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी और डी सी ए, इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, आराम से हम क्वेश्चन को कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, देखिए ध्यान से, ए बी सी बी ए डी, हमने ट्राइंगल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे कॉन्ग्रुएंट। देखिए बी सी इक्वल है किसके बच्चों, BC किसके इक्वल हो जाएगा सर, AD के इक्वल हो जाएगा। BC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के, क्यों, पैरलोग्राम की ओपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, ओपोजिट साइड्स, ओपोजिट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल, यानी जो पैरलोग्राम होता है उसकी ओपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो हमने क्या लिख दिया, BC इक्वल टू क्या लिख दिया, AD लिख दिया। अब आप क्या लिख सकते हैं सर, AC इक्वल टू BD, तो हमको गिवन था। यस बच्चे बिल्कुल, AC इक्वल टू BD क्या था हमको, ये गिवन था पहले से ही। और क्या लिखेंगे सर, इन दोनों में AB देखिए कॉमन आ रहा है, क्या बात है बच्चों, AB दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो बाई किससे हो गया हमारा क्वेश्चन सर, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बी ए डी के, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। पर यहीं से हमारा काम खत्म नहीं हुआ, ये हमसे नहीं कहा था, ये तो हमने क्वेश्चन दिखाया, इसकी हेल्प से हम लोग बाई सी पी सी टी कर सकते हैं। क्या सी पी सी टी हम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए डी के, किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए डी के हो जाएगा, किसके, बी ए डी के। मालूम है ना सीपीसीटी का मतलब, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, आप ये कह सकते हैं ना। चलिए जी, ये इसके इक्वल हो गया। अब कोइंटीरियर एंगल का सम सबको मालूम होगा, कोइंटीरियर का सम सबको क्या है पता है, क्या पता है सर, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ए बी सी और बी ए डी ये कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए, कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल, लिख दीजिएगा को इंटीरियर एंगल। अब यहां ध्यान दीजिए, ए बी सी जो है बी ए डी के क्या है, इक्वल है। तो आपकी मर्जी है, आप ए बी सी को भी 90 दिखा सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, यहां पर ए बी सी की जगह पर क्या रख दीजिए, बी ए डी, और बी ए डी की जगह रख दीजिए ए बी सी, आपकी मर्जी है, ठीक है 180 डिग्री। अब ए बी सी एंगल, ए बी सी एंगल कितने हो गए सर, 2 ए बी सी हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों 2 ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से, यस सर कर सकते हैं, देखिए हो गया जी।
तो ABC की जो वैल्यू है कितनी आ गई सर, 90 डिग्री आ गई हमारी। ABC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 90 डिग्री। बात क्लियर हो गई क्या, ये बताइए जल्दी से, यस एंड नो। ठीक है, जब ABC 90 हो गया तो भैया आपका ये वाला भी तो 90 होगा, BAD भी 90 होगा। बात समझ में आ गई है? तो आप कह सकते हैं अब पैरेललोग्राम यहां लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे अब पैरेललोग्राम विद वन साइड, विद वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री, इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, यहीं से आपका क्वेश्चन नंबर वन हो जाता है कंप्लीट। देखिए बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था आप लोगों को, एबीसी आपको प्रूफ करना था। पहला काम हमने ट्राइंगल दिखा दिया, और ट्राइंगल को करने के बाद हमने दिखा दिया कि बच्चों क्या हो गया है आपका, रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। देखिए चलिए जी, चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस की आपकी ये एक्सरसाइज चल रही है। देखिए चलिए जी, क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम, अपने थ्री पर आ चुके हैं। कैसी लग रही है आपको वीडियो, जरूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग बच्चे अपने थर्ड पर आ चुके हैं, और थर्ड क्या कह रहा हम उसको करेंगे, ये देखिए। चलिए जी देखिए, नई बुक में ये क्वेश्चन नंबर वन होगा, बार बार मैं बता दूं, नई वाली जो बुक है उसमें क्वेश्चन वन होगा। जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक्स है उनके पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, टू होगा। तो अब हम इसको कर देते हैं यहां से रफ, और क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करते हैं अपना सेकंड। देखिए आइए, तो नोट कर लिया होगा सभी ने, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हमारे इसमें, शायद 7 या 8 के आसपास होंगे, कुछ सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए तो कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पर अपने आ चुके, सेकंड पे आ चुके हैं नई बुक के अकॉर्डिंग। और पुरानी वाली बुक देखते हैं, अगर ओल्ड बुक हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन कौन सा हमारा, ये थर्ड है। देखिए चलिए क्या कहता है थर्ड में, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा दिया जाता है। कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, अब की किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है आपसे, किसकी बात कर रहा है बच्चों, एक स्क्वायर की बात कर रहा है। देखिए ये हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, और इसके क्या बनाने हमको, डायगोनल और बनाने। देखिए ये एक स्क्वायर है, देखिए, और इसके एक डायगोनल और बनाइए। देखिए ठीक, ये इसके क्या आ गए, डायगोनल आ गए। देखिए चलिए डॉटेड कर देते हैं इसको हम, आप लोग भी डॉटेड जरूर बनाइए, पर मेरी तरह मत बनाना, कहीं ऐसे करने लगो फिर आपको क्या करना, वाइटनर लगाना होगा, और जो कि आपके लिए सेफ पॉइंट नहीं है क्वेश्चन पर वाइटनर लगाना। देखिए ठीक है, क्योंकि होशियारी में तो आपकी कमी है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप सोचते हैं कि जैसे सर करते हैं ना, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर क्या करते थे, वो बना देते, हम लोग साथ साथ करते थे, तो वो पहले पूरा बनाया, दोनों तरफ बना देते हैं, उसके बाद रफ करते हैं, अरे अब हमने क्या कर दिया ये। तो आप लोग बात करना, जब टीचर कर दे पूरा क्वेश्चन उसके बाद ही नोट किया करो। चलिए ये बात हो गई, आइए पढ़ लेते हैं। स्क्वायर हमने बना दिया, अच्छा साइड भी डाल दीजिए, ए ये बी ये सी ये डी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, ओ पे कर रहा है, चलिए ओ पॉइंट मान ले, कौन सा पॉइंट हो जाएगा ओ। क्या क्या कह रहा है, सो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, कह रहा है कि जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को यहां पॉइंट, तो ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं, राइट एंगल पे कर रहा है। अब गिवन क्या है, एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, चलिए ये स्क्वायर हमने लिख दिया। आगे कहा गया है जब ये स्क्वायर है बच्चों, ठीक सबको मालूम है, जब ये क्या स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, और आपको प्रूफ क्या करना है, कि प्रूफ ये करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी क्या, AC जो है वो इक्वल होगा किसके, BD के,
भाई ए सी इक्वल होगा बी डी के, क्यों? स्क्वायर में डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल बात सही कह रहे हो सर। ये जो मिड पॉइंट है तो ए ओ इक्वल टू होगा सर सी ओ के, ठीक है, और बी ओ इक्वल टू होगा सर डी ओ के। और आपको जो प्रूफ करके दिखाना है वो कोई सा भी एंगल ले लीजिए, सी ओ डी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। बात समझ में आ गई है? सी ओ डी कितना दिखा दीजिएगा 90 दिखा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए जी सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहला वही काम, ट्राइंगल ले लीजिएगा, इन ट्राइंगल बी ए डी, देखिए बी ए डी, और कौन सा ले लिया हमने, ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी सी और बी ए डी हमने ले लिया जी। क्या क्या दिखा सकते हैं सर? सबसे पहले हमको मालूम है कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल होगा, बी डी जो है ए सी के क्या होगा, इक्वल। क्यों होगा सर? ये ना अपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर की, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। वैसे तो चारों साइड इक्वल होती है पर ऑपोजिट दिखा दिया। अब देखिए ध्यान से सर, बी ए डी इक्वल है ए बी सी के, क्यों सर? स्क्वायर का रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। चलिए जी साइड दिखा दी, एंगल दिखा दिया, और क्या दिखा सकते हैं बताइए जी? सर दोनों में ए बी कॉमन है तो ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों सर? ये तो बुक वाला ही कह रहा, हम तो कुछ नहीं कह रहे, कॉमन है क्योंकि इसलिए, ठीक है। तो बाई किससे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ग्रुएंट। तो बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ए बी सी के। यहां तक बात क्लियर आ गई होगी? यस सर। अब इसके बाद बाई किससे? सर सी पी सी टी से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जो बी डी है वो ए सी के इक्वल होगा, बी डी जो है ए सी के क्या होगा? इक्वल होगा। बात क्लियर हो गई क्या? यस सर, बी डी जो है ए सी के इक्वल हो गया। अब ये बात हो गई, हमने एक चीज तो अपनी दिखा दी। इसके बाद सेकंड ट्राइंगल लेंगे हम लोग, और उसके लिए भी हम लोग आइए लेते हैं सेकंड ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंड कौन सा ट्राइंगल ले लीजिएगा? सी ओ डी ले लीजिएगा, ए ओ बी सी ओ डी, हमने ये ट्राइंगल ले लिया जी, बिल्कुल ले लिया जी। क्या क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं ओ ए बी जो इक्वल होगा किसके? ओ सी डी के होगा। क्यों होगा सर? अल्टरनेट एंगल है। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल है। बात क्लियर हो गई? यस सर, हो गई जी। और क्या लिख सकते हैं सर? ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। क्यों भाई सर? ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं सर? और लिख सकते हैं कि ओ बी ए इक्वल होगा किसके? ओ डी सी के, ओ डी सी के। क्यों भाई बताइए जी? अल्टरनेट एंगल है सर। सर हमने कर दिया बाई एंगल साइड एंगल से, ट्राइंगल कौन सा? ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ? सी ओ डी के। यहां तक बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आप लोग सी पी सी टी से भी दिखा सकते हैं बाई सी पी सी टी से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि ए ओ जो है सर सी ओ के इक्वल हो जाएगा, और सर बी ओ है वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा। यहां तक बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये हमने दिखा दी चार दो चीजें, और आगे बात करते हैं। देखिए क्योंकि आपको क्या दिखाना है? स्क्वायर दिखाना है, और 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग अब ट्राइंगल फिर से लेंगे, AOB और AOD ले लीजिएगा, लास्ट ट्राइंगल आपको लेना है और क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए कौन सा लेंगे हम लोग? AOB और चलिए यहां कर लेते हैं ना, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी, ए ओ डी। आइए क्या क्या लिख सकते हैं सर? ओ बी इक्वल टू ओ डी, देखिए ओ बी इक्वल टू ओ डी। सर प्रूव अबाउ लिख दीजिए यहां पे,
और क्या लिख सकते हैं जी, कुछ कॉमन वॉमन भी है तो बताइए। सर है, OA कॉमन आ रहा दोनों में, OA इक्वल टू OA, क्यों भाई कॉमन आ गया जी सर दोनों में। और क्या लिख सकते हैं सर, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, क्यों साइड है ये, क्या है ये साइड है जी, साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल होती ना, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं बाई, किससे कौन से उससे हुआ हमारा, साइड 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 से, कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहां भी लिख दीजिए, ठीक, कॉन्ग्रुएंसी रूल। आप क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एओडी के, लीजिएगा ये इक्वल हमने दिखा दिया, ये इक्वल हमने दिखा दिया। सीपीसीटी से आप लिख सकते हैं बाई, किससे, सीपीसीटी से आप लिख दीजिएगा कि जो एंगल एओबी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एओडी के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है, देखिए एओबी किसके इक्वल हो गया, एओबी इक्वल हो गया किसके, एओडी के, किससे, सीपीसीटी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब लीनियर पेयर आप ले सकते हैं, लीनियर पेयर से आप दिखा दीजिएगा क्या लिखेंगे, ए ओ बी ए ओ डी, है ना, देखो ए ओ बी प्लस ए ओ डी इक्वल टू कितना, 180। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो अब देखो दोनों ए ओ बी है, हमने यहाँ COD लिख दिया, तो आप कोई भी एक एंगल यहाँ पर दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये सोचो कि सर हमें COD दिखा दो, ला हम यहाँ पे AOB कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, AOB कर देते हैं, क्योंकि AOB हमारा नीचे वाला ही एंगल बन जाएगा। देखो ध्यान से AOB, अब COD किसके इक्वल है सर, AOB के है, लिख दीजिएगा AOB इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, टू एंगल AOB हो जाएगा, कितना हो गया 180 डिग्री, 2 से कितने टाइम जाएगा 90 टाइम जाएगा, AOB कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो AOB भी कितना आ गया आपका 90। आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था कि AOB क्या ले आइए, 90 डिग्री ले आइए। लिख सकते हैं आप हैंस, क्या लिखेंगे लास्ट में लाइन, हैंस हैंस द डायगोनल, जो बुक में लिखा है ना वही लिख दीजिए, हैंस द डायगोनल ऑफ आई स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। आपके बुक में राइट एंगल लिखा है ना, आप लोग कहेंगे सर राइट एंगल लिख दीजिए, राइट एंगल लिख दिया, लीजिए हमने, ये आपका प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, थर्ड क्वेश्चन आपका यही होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अपने फोर्थ को, देखिए कौन से को करेंगे, हम फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे एक्सरसाइज का। पुरानी वाली बुक में ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा, न्यू वाली बुक में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, थर्ड होगा, देखिए, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक लेकर के चल रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए, और आप लोग आराम से क्वेश्चन को करते रहिए, कोई भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, देखिए। चलिए जी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कंप्लीट होता है, थर्ड के बाद आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फोर पर, और फोर में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए आराम से नोट कर लीजिएगा, वीडियो कैसी लग रही जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए, देखिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन है। टोटल अगर हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7 क्वेश्चन है, 3 हमारे हो चुके हैं, फोर्थ पर हम आ चुके हैं, और जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर अपने फोर्थ को भी आइए कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए, फोर्थ पर आ चुके, आइए देखिए। चलिए आराम से नोट करते रहिएगा आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बच्चे नए अपने दोस्तों को जरूर लिंक एक बार शेयर कर देंगे।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने फोर्थ की तरफ और आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए इसको रफ कर देते हैं अब हम, सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप दोबारा से नोट कर सकते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग फोर पर अपने, क्योंकि इसके बाद आपके थ्री क्वेश्चन रह जाएंगे, सेवन क्वेश्चन ओनली गिवन है आपकी न्यू वाली बुक में। तो क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, ये फोर्थ है। देखिए छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, देखिए ध्यान से। फोर्थ में बच्चों क्या कह रहा है, फोर्थ में कहा गया, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को, एज वेल एज एंगल सी को, सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। एंड सेकेंड पार्ट कह रहा है डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं किसकी, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। सभी को रेक्टेंगल पता होना चाहिए। तो ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, और किसको बाइसेक्ट कर रहा है, सी को, और ये डी को कर रहा है। अगर एंगल ए को हमने इसको ये डायगनल बना दिया और ये हमने ले लिया क्या एंगल वन, और ये हमने ले लिया बच्चों एंगल टू ले लिया, और ऐसे इधर से ये एंगल थ्री हो जाएगा, ये वाला एंगल फोर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी सभी को। वन टू थ्री फोर नंबरिंग डाल के क्वेश्चन बहुत इजी वे से हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले फोर क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। गिवन क्या है आइए देखिए, गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर है ये। चलिए जी रेक्टेंगल हो गया। जब रेक्टेंगल है तो सबको मालूम होना चाहिए कि एंगल वन इक्वल होगा किसके, एंगल टू के। क्यों है, क्योंकि सर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही एंगल थ्री किसके इक्वल होगा, एंगल फोर के होगा। टीपीटी क्या करना है जी, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट में कह रहा है ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चलिए जी एबीसीडी एक स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्यूशन पर चलते आइए हम लोग। जहां सॉल्यूशन पे चलेंगे तो आप कहेंगे जो एंगल वन है वो किसके इक्वल होगा, एंगल फोर के इक्वल होगा। एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल फोर के इक्वल होगा। यस सर, नो, यस सर होगा बिल्कुल। एंगल वन जो है एंगल फोर के इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। बात क्लियर हो गई, यस सर, एंगल वन एंगल फोर के इक्वल होगा। और क्या कहेंगे, ऐसे ही सर एंगल थ्री जो है एंगल फोर के इक्वल है, बट वो गिवन है। वो क्या है आपको, ये सर गिवन है। एंड अब देखो ध्यान से फोर गया तो एंगल वन किसके इक्वल हो गया, एंगल थ्री के। एंगल वन किसके इक्वल हो गया, एंगल थ्री के। आपका क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो जब आपका एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल हो गया तो आप कह सकते हैं क्या कि सर एंगल वन जो है ना वो क्या है, ठीक। अब देखिए ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दें तो डीसी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एडी के। देखो ध्यान से, डीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के इक्वल हो जाएगा। क्या लिख दीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल आर इक्वल एंगल आर इक्वल। बात को समझिए ध्यान से, जब ये एंगल इक्वल हो गए तो साइड भी क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई। तो डीसी किसके इक्वल हो गई, एडी में, पर किसमें, इन ट्राइंगल में। लाओ लिख देते हैं, वरना आप सोचोगे सर किसमें बता दिया, ये इन ट्राइंगल में। तो आप कह सकते हो कि रेक्टेंगल का एंगल भी तो इक्वल होता है, तो आपका क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। ए रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। तो हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर।
बात प्रूफ हो गया। देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, कौन से पार्ट पर आ गए, सेकंड पर आ गए हैं, और सेकंड में कह रहा है कि डायगोनल जो बी डी ए बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी को। तो चलिएगा इसको भी हम लोग कर लेते हैं, बी को और डी को क्या कर रहा है वो, बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए अब ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ आपका, ठीक है, अब कौन सा करेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं यहां पर रफ, फर्स्ट पार्ट आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसको हम कर देते हैं यहां पर रफ, सेकंड पार्ट करेंगे। आइए अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसी का, ये देखिए। चलिए इसको कर देते हैं हम यहां से रफ, जल्दी से लाइक करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देंगे सभी बच्चे। देखिए चलिएगा, तो सेकंड पार्ट हम करेंगे इसका, ये आप देखिए, सेकंड पार्ट करेंगे, ये देखिए अब हम इसका, और इसको कर देते हैं हम पूरे को रफ। डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल बी एंड एज वेल डी, बी और डी को बाइसेक्ट करा, तो पूरा ही रफ कर देता है। ये देखिए बना, ये देखिए स्क्वायर तो हमने प्रूफ कर दिया है, देखिए ये ए एंगल ए साइड, ये बी, ये सी और ये डी एंगल। देखिए अब बी को और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये देखिए यहां हमने D मान लिया और इसको B, ठीक है, तो 4 तक हम एंगल ले चुके थे, अब ये 5 लेना पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 7, देखिए क्योंकि 4 तक एंगल ले चुके थे, 5 6 7 8 हमने यहां ले लिया। देखिए आइए, वैसे तो करने की जरूरत है नहीं, सबको पता है कि जो इसके साइड्स होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो क्या होता है, इक्वल होते हैं ना। तो चलिए फिर भी हम करके एक बार दिखा देते हैं, सेकंड पार्ट आपका ये चल रहा है। देखिए तो टीपीटी क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में आपके लिए, सेकंड पार्ट में जो टीपीटी, देखिए अब यहां से हटा दीजिए सब, आपको जो टीपीटी है सिर्फ वो लिख लीजिएगा। टीपीटी जो है वो कह रहा है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, एंगल डी। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन पे चलते हैं, ये देखिए, देखिए ध्यान से, जो एंगल 5 होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा, या सर नो सर अल्टरनेट एंगल, ध्यान से देखते रहिएगा, अल्टरनेट एंगल, बात समझ में आ चुकी होगी, यस सर आ गई बात। अब ट्राइंगल ले लीजिएगा, इन ट्राइंगल ए डी बी ले लेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी हमने ले लिया जी, क्या क्या लिख सकते हैं सर, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल होगा, बताओ जी क्यों होगा भैया, ए डी जो है वो किसके, ए बी जो है किसके इक्वल है, ए डी, क्यों सर, ये साइड है स्क्वायर की, साइड्स ऑफ स्क्वायर सबको मालूम है सर इक्वल होती हैं, और क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं जो एंगल 7 है वो एंगल किसके इक्वल होगा, 5 के, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल, अगर साइड इक्वल है, साइड इक्वल तो उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल 7 जो है वो हमने क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया, साइड्स आर इक्वल। अब और क्या लिख सकते हैं, तो आप यहां देखो ध्यान से, आप ये कह सकते हैं जो हमारी इक्वेशन थी कौन सी, अब ऊपर 3 तो हमारी चली गई, अब यहाँ कह सकते हैं आप क्या कि जो हेंस लिख सकते हैं कि 7 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। देखो 5 से 5 चला गया, 7 और 8, इसको मान लीजिए कुछ, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकंड मान ली, यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो 7 किसके इक्वल हो गया, 8 के। और क्या कह सकते हैं आप, ऐसे कह सकते हैं जो 7 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के, क्यों सर, अल्टरनेट एंगल, यही आपको पहचान होनी चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये
अल्टरनेट एंगल हो गया। देखिए अच्छा, 7 इक्वल हो गया 6, और देख लीजिए क्या क्या बैठ रहा है आपका, और आप कह सकते हैं कि हैंस जो यहाँ पर 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 5 जो है वह एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। बात समझ में आ गई है? देखो ध्यान से, एंगल 5 किसके, देखो 7 कैंसिल हो गया, एंगल 5 किसके इक्वल हो गया, एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हैंस लास्ट में लिख दीजिएगा कि बी डी बाइसेक्ट हैंस बी डी बाइसेक्ट, हाँ बी डी गिवन है ना बुक में, एक बार देख लीजिएगा, डायगनल बी डी है, हैंस डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये आपका प्रूफ हो गया जी, कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए अगर न्यू बुक की बात करें तो 5, 6, 7 यानी हमारे 3 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो पार्ट ये आपका कौन सा हो गया, 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 की बात करी है। पार्ट जो आपका 2 होगा क्वेश्चन नंबर 5, 2, 7 या 8, देखेंगे क्वेश्चन कितने हैं, क्योंकि न्यू बुक ओल्ड बुक में बहुत डिफरेंस आ रहा है। बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर हमारे पास ओल्ड बुक है, कोई कह रहा है हमारे पास न्यू बुक है, तो इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन था उसमें, इसमें जो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो हमने डाल दिया है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, क्वाड्रिलेटरल का सबको मालूम है कितना होता है 360 डिग्री। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे पार्ट 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से अपनी वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हम लोग केस स्टडी अजर्सन रीजन के क्वेश्चन भी अपलोड करें। तो आने वाले टाइम में, कुछ ही टाइम में आप लोगों को, क्योंकि आपके हाफ़ेली एग्जाम्स भी लगभग सितंबर में शुरू हो जाते हैं, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्ट में, जैसा भी होगा 100% श्योर आपको केस स्टडी अजर्सन रीजन के क्वेश्चन आपको 100% श्योर आपको यहाँ मिलेंगे। तो अपने दोस्तों को लिंक शेयर करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हंसते खेलते रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। गुड बाय टू ऑल।